हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल कैलेंडरस्कोप स्कूल में। मैं हूं आपका होस्ट आकाश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं इस गाड़ी का। और आप सोच रहे होंगे कि ये मारुति सुजुकी इको है, पर दोस्तों ये है मारुति की वर्सा। तो आज हम आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताएंगे। 2007 मॉडल है ये और इसके अंदर लगी हुई है CNG। 96,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो आपको बताएंगे परफॉर्मेंस कैसी है और गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये है मारुति सुजुकी की वर्सा और देखने में बिल्कुल सेम टू सेम इको लगती है। आप इसे एक तरीके से इको की बड़ी बहन कह सकते हैं, क्योंकि जो इको आई है उससे पहले ये ही गाड़ी आती थी। और फर्क पहचानने का सिर्फ एक तरीका है कि आप इसकी छत देख सकते हैं, ये थोड़ी सी टॉल रहती है इको से। तो चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ। और पीछे हम गाड़ी के आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, पीछे से भी आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा गाड़ी में। ये आप देख पा रहे होगे बिल्कुल सेम है गाड़ी जैसे कि इको आती है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऊपर से फर्क महसूस होगा। तो चलिए सबसे पहले खोल लेते हैं गाड़ी का बूट, उसके बाद एक बार आपको इस गाड़ी का वॉक अराउंड दिखा देते हैं। तो इसका बूट जो है, मुझे लग रहा है तो बूट जो है इसका खुल चुका है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर लगी हुई है CNG और CNG जो है वो है आफ्टर मार्केट वाली। हम आपको सिलेंडर दिखा देते हैं CNG का, कुछ सामान रखा हुआ है गाड़ी के अंदर। तो ये है CNG का सिलेंडर और पेंट आप देख पा रहे होंगे, इस पर पेंट अपने आप किया हुआ है ब्लू कलर का। उसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर स्पेस आपको भरपूर मिल जाएगा। और इस गाड़ी के अंदर पैसेंजर सीट निकली हुई है, तो हम आपको आगे का गेट खोल के दिखाएंगे कि अंदर स्पेस कितना है गाड़ी के। तो चलिए फिर अब इसका बूट हम कर देते हैं बंद और ये लॉक हो चुका है। तो अब चले साइड की तरफ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी साइड से। आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे, गेट से पीछे तक जाते हैं। और गाड़ी जो है दोस्तों ओरिजिनल कंडीशन में है। इस पे फ्रंट के फेंडर पे पेंट है, उसके अलावा गाड़ी कहीं से भी पेंटेड नहीं है। और ये आप देख पा रहे होगे एक और फर्क जो आपको इको और वर्सा के अंदर देखने को मिलेगा, कि इस गाड़ी के अंदर आपको हेडलाइट्स जो हैं ये अलग मिलती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो मिरर है ना, ये आपको क्लियर लेंस नहीं मिलेगा, ये शीशे का है और प्लास्टिक भी है शायद, तो ये प्लास्टिक का है दोस्तों। और क्लियर लेंस नहीं मिलता है इसके अंदर, और इंडिकेटर आपको इसी के अंदर मिल जाता है नीचे की तरफ में। उसके अलावा फ्रंट में कुछ चेंजेस की बात की जाए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस गाड़ी के अंदर फॉग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। और ये आप रूफ देख पा रहे होगे, तो इस गाड़ी की रूफ जो है ना वो थोड़ी सी ऊँची है। तो चलिए फिर दोस्तों अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, अब आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखा देते हैं। उससे पहले दिखाते हैं गाड़ी की फ्यूल लिड। तो पेट्रोल अगर आप डलवाना चाहते हैं इस गाड़ी में, तो यहाँ से पेट्रोल डल जाएगा सेम टू सेम जैसे कि इको के अंदर डलता है। तो इन चीज़ों में चेंज नहीं किया गया है इको के और इसके। उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाएंगे जो कि आपको इको के अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। ये गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर, और ये बेस वेरियंट है इसका, इसलिए इसमें पावर विंडोज़ नहीं है, वरना इसके जो टॉप मॉडल है उसके अंदर आपको पावर विंडोज़ मिल जाती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंटीरियर, यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्लास्टिक मिल जाती है। और इस साइड की इसकी प्लास्टिक जो है वो निकली हुई है, वरना इसमें आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के कवर्स मिलते हैं जैसा कि आप पैसेंजर साइड में देख पा रहे होंगे। उसके अलावा डैशबोर्ड की बात की जाए दोस्तों, डैशबोर्ड बिल्कुल सेम है जैसे कि इको के अंदर आपको मिलता है।
और स्पीडोमीटर की बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, पर इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये इसका बेस वेरिएंट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का स्पीडोमीटर। इधर में आपको शो करेगा फ्यूल, स्पीड, इंजन हीटिंग, बाकी की वार्निंग लाइट्स हैं और कुछ कुछ इस तरीके का है जैसे कि ऑल्टो के अंदर आता है। और इसमें आपको दो ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं दोस्तों देखने के लिए, जो कि काफी बढ़िया बात है। और जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये गाड़ी 96,770 किलोमीटर ये चल चुकी है और अभी तक इस गाड़ी के इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बेस वेरिएंट होने की वजह से इसके अंदर एसी नहीं है दोस्तों। उसके अलावा इसके अंदर आपको मिलेगा 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो चलिए सबसे पहले खोलते हैं इस गाड़ी का बोनेट और आपको दिखाते हैं बोनेट के अंदर क्या मिलता है, फिर हम खोलेंगे इसका इंजन कंपार्टमेंट जो कि सीट के नीचे आता है। तो ये हमने बोनेट खोल दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का बोनेट के अंदर का सिस्टम। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जैक और ये है आफ्टर मार्केट सीएनजी किट। जैसे इको के अंदर आफ्टर मार्केट सीएनजी किट लगी होती है दोस्तों, उसे पहचानने का ये तरीका है कि उसकी किट जो है वो बोनेट के अंदर में लगी हुई होती है, जैसे कि इसके अंदर लगी हुई है। और इसमें सीएनजी यहाँ से फिल होगी और कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है दोस्तों वो फ्यूल की साइड से ही फुल होती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रेडिएटर मिल जाएगा, ये कूलेंट की कैन है और बाकी जैसा कि आप देख पा रहे होगे नीचे से जो है बिल्कुल होलो है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ गाड़ी के और अब आपको इस गाड़ी का इंजन कंपार्टमेंट दिखा देते हैं। तो इंजन कंपार्टमेंट में जाने के लिए दोस्तों आपको ये लॉक्स खोलने होंगे जो कि आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये कुछ इस तरीके से। इसको नीचे से उठाएंगे और ये खुल जाएंगे, फिर आपको यहाँ से सीट थोड़ी सी आगे करनी होगी, ये थोड़ी सी आगे हो जाएगी और इंजन कंपार्टमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से खुल जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये है इसका इंजन कंपार्टमेंट और इंजन जो है दोस्तों वो उस साइड में है। इस साइड में एयर फिल्टर है और सीएनजी वगैरह के कंट्रोल्स हैं, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे एडवांसर वगैरह लगे हुए हैं सीएनजी के। तो एक बार आपको स्टार्ट करके इंजन की साउंड सुना देते हैं क्योंकि इसको खुलने के बाद इंजन की साउंड काफ़ी अच्छी आएगी। जैसा कि आपने सुना, इंजन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं है और काफी बढ़िया कंडीशन में है दोस्तों गाड़ी का इंजन जो है। तो अब इसका इंजन कंपार्टमेंट हम बंद कर देते हैं, कुछ इस तरीके से बंद हो जाएगा। ये आपको लॉक को उठाना है और इस तरीके से प्रेस कर दिया, बंद हो गया काफी इजी तरीके से। तो चलिए अब चलते हैं पैसेंजर साइड डोर की तरफ और आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर आपको क्या स्पेस मिल जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे, गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है भरपूर स्पेस क्योंकि इसकी जो सीट है वो निकाली हुई है, तो उस हिसाब से आप स्पेस का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे इसका सीएनजी का सिलेंडर है काफ़ी पीछे जाके और इसके अंदर दोस्तों एक सिंगल बेड आराम से डल जाएगा और आदमी सो सकता है काफ़ी बढ़िया तरीके से। बाकी फीचर वगैरह की बात की जाए तो इसमें आपको ये हैंडल मिल जाएंगे दोनों साइडों में, ये आप देख पा रहे होगे। उसके अलावा स्पेस काफ़ी बढ़िया मिल जाता है इसके अंदर। तो पीछे फिलहाल कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए, तो चलिए फिर अब चलते हैं आगे। और ये डोर्स जो है दोस्तों ये मेरे फेवरेट हैं। तो टायर साइज की बात कर लेते हैं, तो टायर साइज की बात की जाए दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाता है ये, जैसा कि आप देख पा रहे होगे 55/80/13 का टायर, सॉरी दोस्तों 155/80/13 का टायर मिल जाता है इसके अंदर आपको। और टायर जो है वो भी काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है। तो चलिए फिर अब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शो करते हैं और आपको बताते हैं गाड़ी चलने में कैसी है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और आपको गाड़ी चला के दिखाते हैं। ये हमने स्टार्ट करने और गाड़ी जो है हल्का सा लंबा सेल्फ लिया और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए फिर अब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। ये हमने गाड़ी का डाल दिया फर्स्ट गियर और गियर जो है काफी स्मूथली डले हैं और अब चलते हैं। तो ये गाड़ी ने मारा पटाखा और गाड़ी जो है हो गई है बंद। ये हल्का सा लंबा सेल्फ लिया और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए फिर। तो दोस्तों पिकअप वगैरह की बात की जाए तो सीएनजी पे चल रही है फिलहाल ये गाड़ी और इस गाड़ी के अंदर लगा हुआ है एडवांसर, जिससे कि सीएनजी का पिकअप जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पिकअप आपको थोड़ा सा आपको क्या हमको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा। बाकी दोस्तों फिलहाल गाड़ी थर्ड गियर में है और 30 की स्पीड के आसपास होगी और हल्के हल्के से झटके लेते हुए ये गाड़ी चल रही है, जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। तो
पोजीशन की बात की जाए दोस्तों, तो गाड़ी के अंदर आपको पोजीशन काफी बढ़िया मिल जाती है और काफी कमांडिंग पोजीशन है, जिसकी वजह से व्यू काफी बढ़िया आता है सड़क का। और इस गाड़ी के अंदर बोनेट तो होता नहीं है, जो कि आपको दिखेगा अंदर बैठ के। बाकी साइड व्यू की बात की जाए तो काफी बड़े बड़े साइड मिरर्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से व्यू काफी बढ़िया आ जाता है साइड मिरर्स का। और गाड़ी अभी फोर्थ गियर में है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो इसने झटके मारे हैं, ये हमने एक गियर डाउन किया और अब भी हल्के हल्के गाड़ी में झटके हैं। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम मेनली आती है ये आफ्टर मार्केट सीएनजी के साथ आती है, जैसा कि आप अभी महसूस कर पा रहे होंगे। उसके अलावा दोस्तों हैंडलिंग की बात की जाए तो हैंडलिंग जो है इसके अंदर काफी बढ़िया है, और आपको काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल जाएगा स्टेयरिंग व्हील का। और सस्पेंशन की बात करें तो जैसा कि आपने अभी देखा तो इसके अंदर सस्पेंशन आपको इतना बढ़िया नहीं मिलेगा, झटके और गड्ढे काफी ज्यादा महसूस होते हैं। हाँ, सिर्फ इसका ये फायदा है कि आपको एक सस्ती गाड़ी मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 7 सीटर का ऑप्शन मिल जाएगा और आप सामान भी काफी सारा भर सकते हैं। और स्टेयरिंग व्हील जो है दोस्तों वो काफी लाइट है, जैसा कि अब हम रेड लाइट पे आ चुके हैं और गाड़ी बंद हो गई है फिलहाल, ये स्टार्ट हो गई है। और ये आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर पावर स्टीयरिंग नहीं है। तो एक बार हम इसका 0-60 टेस्ट करेंगे दोस्तों, गाड़ी को साइड में लगा के, और आपको बताते हैं कि गाड़ी 0-60 कितनी देर में पहुंचती है। और पेट्रोल इसके अंदर कम है, जो हम आपको पेट्रोल पे टेस्ट करके दिखाते हैं इसका। तो अब हम आ चुके हैं साइड में और हमने डाल लिया गाड़ी फर्स्ट गियर में। तो चलिए फिर अब इसका 0-60 शुरू करते हैं। 3-2-1 ये गाड़ी पहुंच गई है 20, और ये झटके लेते लेते गाड़ी पहुंचने वाली है 40, और ये इसने टच कर लिया है 50। जैसे ही इसका पेडल हल्का सा ज्यादा दबा देता हूं दोस्तों, ये दबने लग जाती है गाड़ी, और ये इसने 60 को क्रॉस कर लिया है। तो मेरे हिसाब से कम 18 सेकंड का टाइम लगा होगा इस गाड़ी को 60 पहुंचने में, और फिलहाल ये गाड़ी 70 पे चल रही है। और ब्रेकिंग की बात की है दोस्तों तो ब्रेकिंग इसके अंदर आपको डिसेंट मिल जाती है, इतनी कोई खास ब्रेकिंग नहीं मिलेगी, और गाड़ी फिलहाल दोबारा बंद हो गई थी। तो जब ये वाली दिक्कत अगर आपकी गाड़ी में आए तो आप सोच लेना कि गाड़ी की जो सीएनजी की सेटिंग है वो थोड़ी खराब हो रखी है, जिसकी वजह से ये बंद होने वाली प्रॉब्लम आती है। बाकी दोस्तों क्लच की बात की जाए तो क्लच काफी लाइट है 96,000 चलने के बाद भी, और एसी इसके अंदर है नहीं, ये बेस मॉडल है गाड़ी का। तो दोस्तों अगर आप सेकंड हैंड वर्सा लेना चाहते हैं, जो कि इको की बड़ी बहन है, तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। गाड़ी इको से बढ़िया है ये, क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इको के अंदर नहीं मिलती हैं। और प्राइस की बात की जाए दोस्तों तो 1,00,000 के अंदर आपको ये गाड़ी काफी आराम से मिल जाएगी। 70-80 हजार रुपए में आपको इस गाड़ी का 7-8 मॉडल मिल जाएगा काफी आराम से, और मेंटेनेंस वगैरह जो है वो बिल्कुल आपको इको वाला ही मिलेगा इसके अंदर, स्पेयर पार्ट भी सारे इको के लगते हैं। तो दोस्तों इतनी थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।